के कुछ काम से, तो डिजाइनिंग का काम तो हो गया, ज्यादा टाइम होता है ना तो फिर फेस सीरम वगैरह लगा। जानते हो क्या हुआ? हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे एक और नए दिन की शुरुआत में। सोए तो थे सवेरे, लेकिन आज उठने में बच चुका है 8:30, तो अभी हम भागवत गीता पढ़े और चलिए आज साथ मिलकर करते हैं एक और नए दिन की शुरुआत। सुबह सुबह डायरेक्ट किचन में आ गए, बना रहे अपने लिए नाश्ता। नाश्ते में बनने वाला है पास्ता। हम अभी गए थे फ्रिज में सब्जी वगैरह लाने के लिए, पास्ता इधर बॉयल होने के लिए देते, फिर पता चला कल रात में जो हम वो मिक्स वाला सब्जी बनाए थे वो काफी सारा बच गया, तो उसी के साथ मिक्स करके बना लेते हैं। अब तो 5 मिनट में बन जाएगा, चलिए ब्रश कर। मेरा योगा भी हो ही गया और गर्मी का दिन आ गया है, योगा करते करते लास्ट तक एकदम गर्मी लगने लगता है। खैर, और हमारा पास्ता भी उधर बॉईल हो चुका है, चलिए फटाक से नहा के आते हैं, 9:30 बजे तक निकलना तो जल्दी जल्दी हो जाएगा सारा काम। पानी को ध्यान में रखते हुए अभी हम पी लेते हैं 2 ग्लास पानी। तो हम नहा के आ गए और मेरा पास्ता भी बनके तैयार है, चलिए इसको खाते खाते अपना स्किन केयर करते हैं। मेरा बिल्कुल सिंपल सा स्किन केयर है, आप लोग मेरे से पूछ रहे थे, हम उस दिन भी आप लोगों को दिखाते हैं। सबसे पहले टोनर, इसके बाद इसको थोड़ा सा सूखने देते हैं, तो हम लोग अपना पास्ता को टेस्ट करते हैं। अभी बारी आता है क्रीम लगाने का, हम 2 क्रीम को मिक्स करके लगाते हैं, ये वन ऑफ द फेवरेट क्रीम मेरा। और अगर ज्यादा टाइम होता है ना तो फिर फेस सीरम वगैरह लगाते हैं, ऐसे बस यही बिल्कुल सिंपल सा है और बस हो गया। तब तक अपने पास्ता को एंजॉय करते हैं, आप लोग मेरे ब्लॉग को आगे देखिए। हम चित्रकला ही पढ़ रहे हैं, जिसमें पढ़ रहे हैं कि लोग शैली, मतलब शैली वाला चैप्टर। अभी तक हमको ये नहीं पता था कि शैली का मतलब क्या होता है, तो अभी ट्रांसलेट किया, शैली का मतलब होता है स्टाइल। तो याद तो देखो सब हो जाता है, लेकिन क्या होता है ना, मतलब इतना तरीके का स्टाइल है, इतना हर एक जगह का, जैसे लोक शैली, कंपनी शैली, कोलकाता शैली, ये शैली, वो शैली, कुछ याद ही नहीं रहता है यार, मतलब याद होता है लेकिन रहता कुछ नहीं है यार। तो अभी हम पढ़ने लगे कोलकाता शैली। कर रहे हैं डिजाइनिंग का काम, तो डिजाइनिंग का काम तो हो गया फिलहाल। अभी हमको जाना है, वो पेंटिंग के बारे में बताया था ना आप लोगों को, तो उसके लिए कलर लेने के लिए जाना होगा और साथ ही में मास्किंग टेप, तो उसके लिए निकलेंगे, बट थोड़ा सा टाइम है, तो हम अपने इस वाले बुक को पढ़ रहे हैं, मॉडल पेपर, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। मतलब पुराना वाला जो भी पढ़ चुके हैं ना, तो उसी से संबंधित सारा, संबंधित देख रहे हो कितना हिंदी पढ़ रहे हैं, मतलब क्या बोले, उसी से रिलेटेड सारा क्वेश्चन है जो कि वहां पे हमको याद हो गया था। आप लोगों को उस टाइम भी बताया ना, याद सब हो जाता है, वो अलग बात है, याद कुछ रहता नहीं है। मॉडल पेपर के बाद हम पढ़ने लगे मुगल कालीन कला। एक ही चीज इतना बार रिपीटेड है ना, तो अगर उसको अच्छे से ध्यान लगा लगा कर पढ़ लेते तो हो जाता है। तो हमारा अभी से यही टारगेट है कि अभी से पूरे 1 महीने इसको पूरा रट लेना है, खा लेना है। ये बुक है, एक बुक और है दृश्य कला वाला, तो वो दिखाएंगे बाद में। तो हमको मार्किंग करने के लिए जाना है और मेरे पास पेंसिल है, इरेजर और स्केल नहीं है। हम कुछ कुछ चीज लिख के रखे हैं, तो चलिए मार्केट जाके ये सारा काम करते हैं। तो हम लोग अभी आए हुए हैं शूट करने के लिए और मेरा फोन हो गया व्यस्त, तो हम अपने दूसरे वाले फोन से वीडियो बना रहे हैं काफी टाइम के बाद। इसमें क्या होता है ना, थोड़ा सा वॉइस फटता है, बाकी कुछ ज्यादा मोटू नहीं होते जा रहे, देख रहे हो, हमको ऐसा फील होता है। खैर, हेलो आर्टिस्ट, लोग खाने लग गए छोले भटूरे। मास्किंग टेप चाहिए, तो कलर भी मिल गया, मास्किंग टेप भी मिल गया। हुआ यूं कि आज जाने वाले थे मार्क करने के लिए, बट जाना पड़ेगा, आज ही जाएंगे, बट 4 बजे जाएंगे, तो वापस से अब स्टूडियो जा रहे हैं। चलिए बाकी का जो बचा हुआ काम है वो सारा काम कर लेते हैं। अभी वापस से स्टूडियो में जाके अपने बुक रीड को कंप्लीट कर लिया और अभी हमको निकलना था मार्केट, मतलब वो जो पेंटिंग करने जाना था वो अभी आज के लिए कैंसिल हो गया, क्योंकि वहाँ आज कारपेंटर का काम लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा वहाँ लकड़ी का धूल उड़ रहा है, तो वहाँ जाके आज कोई फायदा नहीं है, तो कल जाके वो वाला काम करेंगे। फिलहाल अभी जा रहे हैं मार्केट, एक तो काका के काम से, एक मम्मी के काम से। मम्मी हमको परसों 100 रुपया दी थी कुछ काम से, और हम कल भूल गए, तो कल हमको बोल रहे तुमको हम पैसा दिए, तुम मेरा चीज़ नहीं ला दी, तो चलिए अभी चलते हैं मार्केट। हो गया ये वाला भी काम, अभी चलिए चलते हैं मम्मी का काम करने। ये मम्मी का भी काम हो गया, अभी हम लोग निकलते हैं यहाँ से और हमको लेना है अभी कुछ फ्रूट्स, तो वो लेंगे। एक नंबर दे दीजिए, बहुत टाइम के बाद ना पेंट ब्रश का शॉपिंग किए आज,
इसको मेरा आज जानते हो क्या हुआ, हम जल्दी फ्री हो गए तो सोचे चले जाते हैं मानू के घर पे। फिर क्या मन में आया ना कि आंटी को कॉल कर देते हैं कि अगर मानू घर पे नहीं होगी तो मतलब घर से अगर निकल गई होगी तो उसको रोक दीजिएगा। तो आंटी को कॉल किया, आंटी बोली 10 मिनट पहले चली गई हो तुम्हारे घर, तो हम वापस रुक गए यहीं पे। तो अब जाएंगे ऑटो से, फिलहाल हम लेते हैं यहाँ पे फल। कैसे अंगूर, कैसे पौआ, और ये वाला आगे से जाना पीछे छोटा छोटा है, आप इसे दे देना, वो छोटा है यही वाला दे दीजिए ना, ये वाला आप इसे काट के दे दीजिए ना, पावर जितना होगा। मेरा मन आज हो ही रहा था फल लेने का, लेकिन संजोग से छूट रहा था। देखिए ऐसा संजोग हुआ कि हम यही फल वाले दुकान के पास उतरे। 300 ग्राम दे दो, 250 के लिए ये भी देना। और सेब कैसे है ये वाला? मेरे घर मानू आ गए, हेलो कर दो सबको, हेलो करो, हाय करो, फिर भैया के पास ले जाएंगे। चलो मैगी खिलाएंगे, मैगी बोलो, मैगी क्या खाएगी मानू, बोलो मैगी मैगी। ये मेरे मानू को मैगी मिल गया, अब हाय करो, हाय करो, हेलो हेलो कर दो, हेलो करो, फिर मैगी बनाएंगे। अभी मूड नहीं है इसका मेरे पास रहने का, थोड़ा देर रुकेगी ना तभी रहेगी, ना तो नहीं रहेगी। तुम्हारे घर जाने के ऑटो पकड़ लिए थे गोपाल के, बोले मानू को रुकेगा तो बोली मानू तो चली गई। मानो 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 ऐसे से मानो ऐसे से मम्मा में मम्मा भी पिएगी, खाएगा मानू पिएगी खाएगा। मानो जा, एको किसी दो तो दीदी, एको किसी दो है क्या? देखिए यहाँ चल रहा है घी बनाने का तैयारी, और मम्मी पहले ही मलाई बना लेती है ताकि इससे घी एक्स्ट्रा निकलता है। तो सारा काम हो गया है, प्रोसेस में है। फिलहाल मानू के लिए मैगी बनाए, तो चलिए उसी के हिसाब से मैगी खाते हैं। अभी बनवाई है, नीचे जाके देखे ना मैगी लाई। मानू नहीं खाएगी मैगी, नहीं खाएगी बोली थी, फिर से बोलो, तो बोलो फिर से चाहिए नहीं बोलो भाई, ये ऐसे बोली ना, क्या बोली बताओ तो, बोलो भैया आप चलाने, फिर से ब्रेक बोलो चलाने, फिर से बोलो का चलाते, और बोलो क्या पूरा क्या 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 देखे, देखिए सारा बात बोल रही, क्या क्या समझे आप? अभी मानू बताए कि हम कैसे हंसते, मानू हम कैसे हंसते हैं, दीदी कैसे हंसते, मोड़ भी कैसे हंसती है, ऐसे करके हंसती है, हंस के बताओ, हंस के बताओ, हंस के दिखा दो, हंस के दिखा दो, चॉकलेट भी देंगे, अरे ऐसे कैसे हंसते हैं आप? किसी को तो फिर चल जाना, हमको देने दो, हम देंगे, हमको देने दो, अच्छा दीजिए दीदी, हाँ बाय बाय। से मिलने मेरे सब्सक्राइबर आए, क्या नाम है तुम्हारा? तुषार, हेलो कर दो, हेलो। वो बच चुका 10 और हो गया मेरा आज का सारा काम, दुकान भी बढ़ चुका है, और अभी जो ये वाला गेट लगा है ना उसके वजह से पापा को पीछे वाले गेट से आना पड़ेगा। तो आज हमको मिला ये क्रीम रोल, मिला कल ही था लेकिन कलम लेना भूल गए थे, एंड ये लास्ट पीस था तो हम इसको लेके जा रहे हैं फिलहाल। और हाँ, हमारे 75 डे चैलेंज में आज से हम एक चीज ऐड की है, जैसे कि हम अपने इंग्लिश को ठीक करने के लिए इंग्लिश का बुक पढ़ रहे हैं, तो उसको प्रैक्टिस करने के लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो हम सोच रहे हैं मिरर में खुद के साथ मतलब बोलने का प्रयास करेंगे, जिसको कि आज से करेंगे, बट उससे पहले कुछ खाते पीते, भूख लग रहा है बहुत जोर। आज खुद के साथ मेरा पहला क्लास था, तो बहुत ही ज्यादा बेकार रहा ये सीजन मेरा, मतलब मेरे साथ। तो देखते हैं इसको हम लोग अच्छे से इम्प्रूव करेंगे अपने चैलेंज में, इसको इंक्लूड करके, और डेली इस चीज का प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, और आप लोग भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। तो चलिए इसी के साथ आप लोगों से मिलते हैं कल सुबह 8:30 बजे एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।